इतिहास गवाह है कि जब जब धरती पर बुराइयों ने जन्म लिया और लोगों में मानवता दम तोड़ने लगी, तब तब भगवान स्वयं संत पीर फकीर के रूप में मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेते रहे हैं। और ऐसी ही एक अलौकिक ज्योत संवत विक्रमे 1948 यानी सन 1891 में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन इस धरती पर अवतरित हुई। गाँव कोटड़ा, तहसील गंदेय, रियासत कुलायत बलोचिस्तान में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर पूज्य माता तुलसा बाई जी की पवित्र कोख से जन्मे पूजनीय बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने लोगों को राम नाम से ही नहीं जोड़ा, बल्कि परमात्मा को पाने का आसान व वास्तविक मार्ग भी दिखाया। आप जी ने 29 अप्रैल 1948 को सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी और धर्म जात मजहब के फेर में उलझे मानव को रूहानियत सूफियत की वास्तविकता का परिचय करवा कर इंसानियत का पाठ पढ़ाया। आप जी की पावन शिक्षाओं की बदौलत डेरा सच्चा सौदा ने पूरे विश्व में सर्व धर्म संगम की विलक्षण पहचान बनाई है। पूज्य बेपरवाह साईं जी का संदेश था कि परमात्मा एक है और उसे पाने के लिए पैसा, बाहरी दिखावा या पाखंड की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान को पाने के लिए हृदय में सच्ची श्रद्धा व प्रभु को पाने की तड़प व प्रेम की जरूरत है। पूजनीय साईं बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने गाँव नेजिया में 1957 में सतलोकपुरा धाम का निर्माण किया। समय समय पर शाह मस्ताना जी महाराज आकर यहाँ रूहानी सत्संग फरमाकर जीवों को बुराइयों से मुक्त करवाते थे। इस डेरे का पूरा नाम डेरा सतगुरु शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी सच्चा सौदा सतलोकपुर धाम है। यह शाह सतनाम जी धाम से 2 किलोमीटर दूर गांव नेजिया में स्थित है। इस दरबार में पूजनीय साईं शाह मस्ताना जी के साथ साथ परम पिता शाह सतनाम जी व हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान समय समय पर यहाँ आकर रूहानी मजलिस एवं सत्संग करते रहे हैं।
इस दरबार को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां नतमस्तक होने के लिए आते हैं। वहीं गांव में मौजूद एक बुजुर्ग ने इस दरबार के बारे में जानकारी देते हुए बताया, तो यहां तो डेरा बनाया लेजिए खेड़े का, यहां लोगों के बेटों के और अपने वगैरह के बाड़े बना रखे थे, तो वो बाड़े लोगों ने समझाने से और सारा चुका के एक हफ्ते के अंदर 1997 में ये डेरा बना, जनवरी के अंदर डेरा बन के पहली सत्संग जनवरी के अंदर की थी। तो फिर भी मस्ताना जी ने ऐसे गांव वालों ने वो कह भी कुछ बांटो, तो हमारे गांव के सारे लोगों ने मिलकर ये कर लिया, अपन ने कुछ लेना नहीं, हमें तो आशीर्वाद लेना जो 3 पीढ़ी तक हमें काम दे। ये हमारा नेजिया का डेरा 1997 बना था, 57 57।